हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरे एक्जोरास देख रहे हैं, ये मेरा पिंक है, और ये वाला और ये वाला, ये एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ था मेरा। और ये येलो है, कुछ येलो या ऑरेंज येलो, और ये भी पिंक है और वो वाइट है। देखिए खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है एक्जोरा में, खूब अच्छे से बर्ड्स भी आ रहे हैं, खूब फूल आ रहे हैं। तो ये देखो, ये बर्ड्स भी आ रही हैं काफ़ी। और देसी एक्जोरा की तो बात ही अलग होती है। एक ये गुठी से ही बनाया था, एक वो बनाया था मैंने ईयर रिंग से, और एक ये बनाया था। तीन प्लांट मैंने रेडी किए थे और तीनों हो गए हैं। अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, थोड़ी सेटिंग चेंज कर रही हूँ, तो अभी अस्त व्यस्त कर रखा है। जब सेटिंग हो जाएगी तो अच्छे लगेंगे ये प्लांट्स। और ये देखिए, आपको एक मैं इस पर पेस्ट अटैक दिखाऊँ। ये देखिए बहुत बारीक बारीक कीड़े हैं इसमें लग रहे हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का। तो पेस्ट अटैक के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वरना ये सारी पत्तियों को खा जाएगा। मैं तो ऐसे छोड़ देती हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लांट अगर पत्ते खाते हैं तो कोई बात नहीं, जो प्लांट की मिट्टी में जो न्यूमिटेट वगैरह हो जाती है वो नुकसान करते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। वरना इनसे क्या, ये तो छोटे छोटे से कितने पत्ते खा लेंगे। तो मैं नहीं डालती, मगर आपके लिए बता दे रही हूँ इंसेक्टिसाइड। और इस तरह से आप देखते रहिए उठा उठा के इनमें, क्योंकि इनमें मिलीबग भी लग जाता है, तो इन चीज़ का भी ध्यान रखिए। अभी मेरे में और कुछ तो नहीं लगा है, ये वहाँ पे रखा हुआ था उस साइड में, तो इसलिए इस पर ये कीट आ गया। वरना धूप में रखे रहेंगे तो आपके पास, आपके प्लांट में कोई कीट नहीं लगेंगे। तो इनकी मिट्टी की आप गुड़ाई करते रहिएगा, इस तरह से जो भी घास फूस हो वो निकालते रहिएगा, वीड्स वगैरह जो भी हो। और बीड्स को मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि सारी एनर्जी फिर बीड्स के लेने लगती है, प्लांट को नहीं मिल पाती है। और गुड़ाई करती रहिए, मैंने परसों इसमें गुड़ाई की थी, कल शाम बारिश होगी तो ये सेट होगी फिर से मिट्टी। तो आप गुड़ाई करते रहिएगा। और अगर तुलसी वगैरह भी एक्स्ट्रा प्लांट निकल रहे हैं, एक तो वैसे छोटा पॉट है, ठीक है, और तुलसी वगैरह इस तरह से ये निकल रहे हैं, तो आप इन्हें निकाल दो। संडे मैं नहीं निकालूंगी, मगर फिर मैं निकाल दूंगी मंडे को, क्योंकि तुलसी बहुत है और बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत जगह में फैल जाते हैं। तो इसलिए तुलसी को थोड़ा सा अलग ही प्लांटर दें। बड़ा प्लांट हो तो प्लांटर हो, गमला बड़ा हो तो चलो चल भी जाता है, छोटे प्लांटर में तो परेशानी हो जाती है। इसी की रूट बढ़ जाए, उतने ही सफिशेंट है ये। और इसे तो बहुत बड़े गमले में लगाना चाहिए। ये तो देसी है, ये देसी वाला, ये बहुत बड़ा हो जाता है, कम से कम 5-6 फिट हो जाता है, तो बड़े लगाने चाहिए। और ये तो, ये भी देसी वैरायटी है, ये फूलों से समझ सकते हैं आप। ये हाइब्रिड है, छोटे छोटे से हैं, ये भी हाइब्रिड है, वो भी हाइब्रिड है, ये तीनों हाइब्रिड है। बस ये और वो, ये देसी है, क्योंकि फूल बड़े बड़े होते हैं और किसी भी कंडीशन में चल जाता है देसी प्लांट। तो आप देसी प्लांट को लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं मिले तो, वैसे भी कलर्स में लेना हो तो हाइब्रिड ही लेने पड़ जाते हैं, उन्हीं में ढेर सारे कलर मिल पाते हैं। तो आप एक्जोरा अपने गार्डन में जरूर लगाइए, इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर है प्लांट। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था सर्दियों में, तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें धूप बहुत पसंद होती है, सर्दियों में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। तो ये थोड़े से डोरमेंसी में चले गए थे, सफ़ेद वाली लेके आई थी, ये वाइट वाला लाई थी मैं केवल, फिर इसमें फ्लावरिंग आने लगी। और देखो, ये कटर प्लांट नहीं, कट किए हैं ये पत्ते, तो खा लेने दो, बच्चे हैं कोई बात नहीं। और इसमें अब काफ़ी बर्ड्स भी आ गई हैं, पिछले साल मैंने ये नवम्बर में लगाया था, मुझे मिल गया, ख़रीद लिया फटाक से और मैं ले भी आई। फिर ये डोरबंसी में चले गए, फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत टाइम में लेके आई हूँ, तो अब कि मैं ये लेके आई थी गर्मियों में। तो ये देखो, अब फ्लावरिंग तो खूब अच्छे से हो गए, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर गए, खूब अच्छे से चल भी रहे हैं। और फर्टिलाइज़र कह देती हूँ, जो सबको देती हूँ वही इन्हें भी दे देती हूँ। अभी बारिश में तो अभी कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, बस थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा है सब्जियों के छिलके का, वही डाल दिया था, बाकी और कुछ नहीं डाला है। फ्लावरिंग अच्छी लग रही है, बस इन्हें धूप बहुत चाहिए और मिट्टी मॉइस्ट चाहिए। मिट्टी सूख गई तो आपके ये गमले फूल भी पत्ते भी सब मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। और मिट्टी पोरस हो, जिससे पानी रुके ना, पानी रुक गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर ये मर जाते हैं फंगल इन्फेक्शन से। तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्पेशली बारिश के दिनों में तो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आपने गर्मियों में कोकोपीट वगैरह लगा के रख रखे हैं इन्हें, तो प्लीज़ जैसे ही बारिश शुरू हो, पहली बारिश हो, तुरंत इसकी मिट्टी चेंज कीजिए और सैंडी सॉइल डालिए और कोकोपीट वाली मिट्टी निकाल दीजिए।
पठान वैसे इन्हें बहुत अच्छी पसंद है, बहुत पसंद है पानी, मॉइस्चर वाला पानी, जैसे नमी रहे बनी हुई, इस तरह की नमी बनी रहे, इस तरह की नमी बनी रहे और पानी ना रुके, कितनी बारिश हो पानी ना नहीं रुकना चाहिए, पानी रुक गया तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा फंजी फंगल इन्फेक्शन से। और ये देख रहे हैं इसमें ये जो है वाइट वाइट, ये इसमें मैंने फंजीसाइड का स्प्रे किया है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो मैंने गुलाब पे किया तो इस पर भी कर दिया। ऑलमोस्ट अब तो बारिश चली गई है, कल रात पता नहीं कैसे हो गई थी, शाम कल दिन में अचानक से बारिश आ गई थी, मैंने तो सारी खाद वाद सूखने डाली थी सीडलिंग के लिए तो एकदम बारिश आ गई, तो उम्मीद नहीं थी कि कल बारिश हो जाएगी, मगर हो गई बारिश, फिर भी चलो ठीक है, हो जाने दो, कोई नहीं, पानी मिल गया तो अभी कितने हेल्दी लग रहे हैं। ये बारिश का पानी मिलता है तो जैसे वैसे ही बारिश का पानी मिलता है वैसे ये लश ग्रीन शाइनी शाइनी पत्ते होने लगते हैं, और ये हाइब्रिड वालों के छोटे पत्ते होते हैं, ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं, देख रहे हैं आप, ये भी एक्जोरा है, ये भी एक्जोरा है, पर इसके पत्ते छोटे हैं, इसके पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं और हाइट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। देखिए ये छोटे पॉट, छोटे वाले पॉट में लगे हैं फिर भी कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, और ये इतने बड़े पॉट में लगाए 10 इंच के, फिर भी इसमें पत्ते थोड़े छोटे छोटे हो रहे हैं। तो जो हाइब्रिड वाले हैं तो उनके फूल भी छोटे होते हैं, पत्ते भी छोटे होते हैं, और ये साइज़ भी इनका बड़ा हो जाता है पत्तों का, और हाइट भी बड़ी हो जाती है देसी वालों की। तो इसे मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी, करीब इतने बड़े पॉट में लगाऊंगी, 14 इंच के पॉट में लगाऊंगी, तभी अच्छे से चलेगा। अभी तो फिलहाल ये छोटे छोटे लगे हैं, ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। ये सच में फूल इतने आ रहे हैं, मन नहीं होता है, बंच आ रहा है फूलों का, है छोटे छोटे फूल हैं उनका बंचेज आ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अभी धूप भी बहुत तेज़ हो रही है तो छोटे पॉट में मिट्टी जल्दी सूखती है तो इन्हें थोड़ा सा बचा के रखना पड़ रहा है। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।